हेलो फ्रेंड्स, चटपट फूड में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। आज मैं आपके लिए लाया हूँ खोवा, ला लिया हूँ। इस खोवे से हम बनाएंगे गुलाब जामुन नन्ने नन्ने छोटे छोटे, जैसे कि बारबेक्यू नेशन में, जैसे कि रेस्टोरेंट्स में होते रहते ना छोटे छोटे लड्डुआ, छोटे छोटे लाल लाल खोवे के, कितने भी खाए तो खाए 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 होते ना वो यूनिक वाले, वो से लड्डू बनाएंगे, उसे गुलाब जामुन। आप नेट में भी सर्च कीजिए, आपको ऐसे गुलाब जामुन कहाँ भी नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि हम बनाते हैं चटपट फूड में अनोखे वाले गुलाब जामुन, लाल लाल गुलाब जामुन। आपने कभी तभी गुलाब जामुनों से खाया है तो नीचे कमेंट करो, नहीं खाया है तो लाइक करो, और खाना चाहते हैं तो शेयर करो। तो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमने खोवा ला लिया है 90 रुपीज का, जाके भाग के दुकान में जाके ला लिया हूँ। उन्हें थैली में रख रहा था गुलाब जामुन का, तो मैं ला लिया हूँ। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा, हम डालने वाले हैं मैदा 4 चम्मच, देख सकते हैं कितना मैदा है, लाल वाला मैदा 4 चम्मच, 1, 2, 3 और इसमें 4, थोड़ा बढ़ के डालेंगे। अब इसको हम लपम में मिलाएंगे, मिट्टी में मिला सर का वैसा मिलाएंगे और इसमें बनाएंगे खोवा, क्या बोलते हैं खोवा, खोवे को और मैदे को मिक्सिंग कर रहे हैं, ऐसा लैम्स बन सकते हैं भोजन है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी सोडे की पैकेट, काटेंगे कैंची से, थोड़ा बहुत कम डालना पड़ता है सोडा, तो हम क्या करते हैं चमचा ऐसा पकड़ो बोलते हैं एक जने को, और इसमें थोड़ा डालेंगे बस इतना, देख सकते हैं इतना सा बहुत ही बहुत है। अब इसमें डालेंगे सोडा, अब मिला लेंगे ऐसा, देख सकते हैं बहुत कम डाले हम सोडा। अब इसमें थोड़ा और जर्रा सोडा डालेंगे, थोड़ा जर्रा, बहुत बहुत कम दिखाया मुझे सोडा, तो ये इतना बढ़ के थोड़ा बसे, अब बहुत सोडा डाले तो भी पैसे की बंडे हो जाते हैं। एक जने हमारे घर में बनाए थे बंडा, फोन उतारे सोलह की अम्मी बंडा इडली बनाए, तो एक जने को फेंक के मारा मैं, तो सिर खुल गया है उसका, अभी तक गोमड़ा है उसको चीफ एडिटर के सर पे। तो हम इसमें क्या करते हैं, ऐसा गोल ऐसा 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 डाल के इसमें दूध डालेंगे और मिलाएंगे और वो बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, दूध ला लिए है चमचे से, दूध डालेंगे इसमें, ये दूध बीच में थोड़ा डालेंगे, पहले गरम गरम दूध है ये, तो हम क्या करते हैं ऐसा मिलाएंगे और थोड़ा डालेंगे दूध ऐसा, हम मिलाएंगे तो इसे खलाई के सर का एक लपम, एक डो बनना होगा, डो बोलते ना आटे के सर का। हम चमचे से मिला रहे हैं, थोड़ी जाने हाथों से मिलाते हैं, फिर हाथों के उंगलियों के अंदर चलिया से हिलाते हैं, तो इसी जनों से सावधान रहो। हम इसे मसले है 5 मिनट तक, और इसमें हम तेल निकलना चाहिए, और इसमें हम छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाएंगे, ऐसे छोटे छोटे कि नन्ने मुन्ने गुलाब जामुन। तो हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पे रख देते हैं और ये कढ़ाई यहाँ पे लाते हैं, तो अब हम ऐसा तोड़ेंगे यहां से, देख सकते हैं, और इसमें हम छोटे छोटे नन्ने मुन्ने इतने छोटे छोटे ऐसे इतने छोटे छोटे 1, 2 सौ भी बन सकते हैं छोटे छोटे ऐसा, 3, 4 पहले तो ये बनाते रहते हो छोटा। इसे आपको क्या करना होगा, ऐसा ले लेना होगा ऐसा छबे के सर का, ऐसा गोल गोल फिराना होगा, तो ये देखिए कैसा नन्ना मुन्ना बन गया है गुलाब जामुन। तो पहले हम इसे ऐसा मसलना होगा, क्योंकि ये खुला था ऐसा, थोड़ा ऐसा मसाले बाद इसे ऐसा ले लेके ऐसा गोल 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 कर देना होगा, ऐसा गोल गोल करके ऐसा रख देना होगा, जैसे कि डाव चिकनी गोली रहती ना वैसा। तो हम ऐसे ही बहुत बना लेते हैं, आपको बता देता हूं मैं।
देख सकते हैं हम छोटे छोटे बना लिए हैं गुलाब जामुन, जैसे कि रेस्टोरेंट्स में होते रहते ना छोटे छोटे होते। और उसके बाद हम शक्कर ला लिए हैं और ये भी रख दिया है। अब इसमें हम शक्कर डालेंगे थोड़े, देख सकते हैं फुल्ले हमाकन शक्कर, क्योंकि हमाकन है शक्कर का खजाना। डालो भाई शक्कर 1 चमचा, 2 चमचे। शिरनी बनाएंगे अब, बहुत आराम, बनाने का तरीका बहुत ही आराम से है। जल्दी जल्दी डालो भाई, शिरनी डालते रहो भाई, जल्दी फटाफट फौरन डालो, जल्दी जल्दी डालो भाई। शिरनी भेद मैंने शिरनी, और इसमें हम पानी भी डालेंगे, पानी भी डाल दो भाई, डबल डालना पड़ता पानी, बस है शिरनी। अब इसमें पानी डाल देंगे, देख सकते हैं शिरनी बसे हमाकू एक खटरा में, 1 चमचे में, और थोड़ा पानी डालेंगे, और ज्यादा डालेंगे बस है। अब हम क्या करते हैं, इसे हिला लेंगे, देख सकते हैं कि ये शक्कर मैली है। अब इसमें थोड़ा दूध डाल के हम इसमें शक्कर में मैलापन निकालेंगे, इसके लिए हम थोड़ा दूध डाल देंगे इसमें ऐसा, और इसका मैलापन ऊपर आ जाता है तो उसे चमचे से निकाल देंगे अपन। वो बहुत ही टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको, एक आसान से टेक्निक। तो हम चमचा ले लेंगे ऐसा हिलाते रहेंगे ऐसा, देख सकते हैं मैला ऊपर आ रहा है, ये मैले को हम चमचे की मदद से निकाल देंगे। देख सकते हैं आप शीरा की क्वांटिटी पूरा कितना साफ दिख रहा है, देखिए आप। अब ये देखिए चिकट हो गया है, अभी थोड़ा उठाना चाहिए इसे, तार तार मापना चाहिए, ऐसा तार आना चाहिए, तार नहीं आया है, अभी थोड़ा उठाते हम। तेल डाल दिया है, अब इसे कुनकुना होना चाहिए, कुनकुने के बाद हम इसे स्लो आंच पे 10 से 15 मिनट तक तलेंगे, जैसे कि लाल हो जाना चाहिए ये। यहाँ पे देखिए सेटिंग कर रहे हैं हम, आपका ऐसा है तो मज़ेदार है, नहीं है तो भी खवेजार है। इसे थोड़ा कुनकुना होना चाहिए, देख सकते हैं हम गरम कर लिए हैं, और इसमें हम थोड़े डालेंगे 10 नन्हे मुन्ने। जिंदगी में आप उसे गुलाब जामुन छोटे छोटे नहीं खाए होंगे, आप ऐसा एक डालो भाई, डालो 2, हल्लू पकाना होगा थोड़ा, मैं स्टोव भी कम कर देता हूँ, थोड़ा माइनस भी कर दिए, अभी थोड़े हल्लू हल्लू, अभी थोड़ा माइनस करो भाई, आराम से, अभी थोड़ा माइनस करो, 500 लगाओ, डालो थोड़े, देख सकते हैं ये बहुत ही गर्म है, ये थोड़ा और माइनस करना है, 300 तक लाना है, हल्लू आंच पे पकाना होगा हमें इसे नन्हे मुन्ने को, अभी थोड़ा माइनस करो, देख सकते हैं ब्राउन होए तक आपको आराम से तलना होगा, घन दो तेज, देख सकते हैं थोड़े लाल हो गए हैं, तो हम लाल को निकालेंगे, इस बटाने को लाल को, और इसे धन बोल के इसमें डाल देंगे, देख सकते हैं ये लाल को निकालेंगे और इसमें डालेंगे, और ये लाल को निकालेंगे और इसमें डालेंगे, और ये आराम से लाल को निकालेंगे, ये डालेंगे, 2 लाल को निकालेंगे। खुशबू देखिए इसकी, नटों में खुद चल रही है खुशबू, नाक में ऐसा खुशबू आ रही कि आप कभी भी नहीं खाए होंगे। ये बहुत गर्म कर दिए थे यहाँ पे हमारे चीफ एडिटर साहब, थोड़ा कम बारी करो बोले तो नहीं सुने उन्होंने, बैठ के दूसरों के बात सुन रहे कोसे कोसे की, ठहरो माइनस करो थोड़ा, अब इसमें डालेंगे, अभी थोड़े डालेंगे हल्लू, और इसे स्ट्रिंग करते रहना होगा, धीमे आंच पे हल्लू से बनाना होगा इसे, देख सकते हैं हम आराम से तल रहे हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, आप ऐसे कभी भी नहीं खाए होंगे इतने छोटे से। यहाँ पे देखिए हम थोड़े डाले भी है टेस्टिंग के वास्ते, क्योंकि हम टेस्टिंग करके बनाते हैं, थोड़ी यानी ऐसी बना देते हैं,
थोड़े जने बंडा भी बनाते हैं फेंकते मारे, तो गोमड़ा भी आ गया था एक बार चीफ एडिटर के घर में। कैसा बनाए थे चीफ एडिटर? एकदम बहुत तेल में तल दिया तो वो अंदर से कच्चे हो जाते हैं और निकाल के उसमें डाले तो बंडा बन जाता है। आपके घर में भी कौन था बंडा बनाते? नीचे कमेंट करके नेम लिखिए उनका, बंडा बनाने वाले उनका। देख सकते हैं ये लाल बन रहे हैं, अभी हल्लू से तलना होगा इसे, बहुत ही कितनी धीमी आंच से तलेंगे उतना अंदर से पकेंगे। अगर आप दम बहुत तेज आंच में तल दिए समझ लो लाल फौरन हो जाते हैं, अंदर से कच्चे हो जाते हैं, बंडे बनने के बहुत ही आसारा रहते हैं। जैसे कि आप इटली की वड़े के दुकान में गए तो वड़ा हल्लू से तलते रहता है उन्हें घंटे घंटे स्लो आंच पे, क्यों तलता है वो? अंदर से तलना, अंदर से कच्चा नहीं रहना बोल के वो तलते रहता है एक घंटे ही तल ढल। वो इस घर में बना दिए तो बड़े मिर्चिया में गर्म पानी में घम बोल के डाल देते हैं, घम बोल के बन जाता है। और हमने बना दी है गुलाब जामुन, कितनी अच्छे दिख रहे हैं देखिए, नन्हे मुन्ने से मस्त दिख रहे हैं। तो मैं बिना हाथ से हाथ ले लेके गुलाब जामुन का मजा खाने में हाथ हाथ का होता है। ये देखिए कितने सॉफ्ट है, कितने सॉफ्ट है, और इसके अंदर देख सकते हैं पूरा रस चल गया है, क्योंकि आप इसके अंदर देखिए आप पूरा रस चल गया है इसमें। तो मैं खा के बोलता हूँ एक, क्या गुलाब जामुन का जो स्वाद है ना, मस्त स्वाद आ रहा है, खोवे का, मैदे का, सबका स्वाद आ रहा है। अगर आप बाहर से मंगा के खाए तो वो स्वाद नहीं आता है, पर आप घर में बना के खाए तो वो स्वाद आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग से आइटम के साथ, तब तक के लिए चटपट फूड में सब्सक्राइब कीजिए, बाय।